हरियाणा में 55 साल के राजनीतिक सफर में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। इनमें से एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा आज हम आपको रिपब्लिक हरियाणा के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। हरियाणा में ऐसे बहुत कम दंपति रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में लाल घरानों की। लाल घरानों की हरियाणा में शुरू से ही अपनी एक सियासी परंपरा रही है। लालों की इसी सियासी परंपरा में एक अहम तथ्य यह है कि महेश चौधरी भजनलाल घराना ही ऐसा रहा जिसमें भजनलाल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उनकी पत्नी जसमा देवी भी साल 1987 में आदमपुर से विधायिका चुनी गई। खास बात यह है कि भजनलाल घराना ही ऐसा है जिन्होंने राजनीति में एक लंबी पारी खेली है। गौरतलब है कि भजनलाल और उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक बने तो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और पुत्र वधु रेणुका बिश्नोई भी विधायिका बनने में सफल रही। इसी तरह से लाल घराने से चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह 3 बार विधायक बने तो उनकी पुत्र वधु किरण चौधरी भी विधायिका बनने में सफल रही। कुलदीप बिश्नोई खुद विधायक चुने गए तो उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी 1 बार आदमपुर तो 1 बार हांसी से विधायक चुनी गई। इसी प्रकार से हिसार से ओम प्रकाश जिंदल विधायक निर्वाचित हुए तो उनकी पत्नी सावित्री जिंदल भी 2 बार हिसार से विधायक बनने में सफल रही। देवीलाल घराने से अजय सिंह चौटाला 1988 में दाताराम गढ़ और 1993 में नोहर से, जबकि साल 2009 में डबवाली से विधायक बने तो उनकी पत्नी नैना चौटाला साल 2014 में डबवाली से, जबकि 2019 में बाढ़ड़ा सीट से विधायक बनी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले भजनलाल घराने से। लाल घरानों में सबसे पहले भजनलाल परिवार से किसी महिला ने सक्रिय सियासत में एंट्री की और चुनाव लड़ा। 1987 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय चौधरी भजनलाल केंद्र में मंत्री थे और हरियाणा में देवीलाल के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही थी। भजनलाल ने आदमपुर विधानसभा सीट से अपनी पत्नी जसमा देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया। जसमा देवी ने 41,152 वोट हासिल करते हुए इनेलो के धर्मपाल को 9,272 वोटों के अंतर से पराजित किया। उस समय कांग्रेस के 5 विधायक ही निर्वाचित हुए जिनमें से जसमा देवी भी एक थी। इसी तरह अपने पति सुरेंद्र के चले जाने के बाद किरण चौधरी भी राजनीति में सक्रिय हुई और तो शाम से विधायिका चुनी गई। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह साल 1977 और 1982 में तो शाम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वे साल 2005 में 3री बार विधायक चुने गए और वे कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। ओम प्रकाश जिंदल के साथ एक विमान हादसे में सुरेंद्र सिंह का भी निधन हो गया था। इसके बाद जून 2005 में किरण चौधरी ने तो शाम से उपचुनाव लड़ा। सहानुभूति की ऐसी सुनामी बंसीलाल की पुत्र वधु किरण चौधरी के पक्ष में चली कि उनके सामने किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा। किरण चौधरी को 1,25,558 वोट मिले। उनके सामने 4 आजाद प्रत्याशी थे, चारों मिलकर 1,000 वोट भी नहीं ले सके। कुल मिलाकर किरण चौधरी को 99.37% वोट मिले। सबसे अधिक मत प्रतिशत लेने के लिहाज से हरियाणा में आज भी यह एक अनूठा रिकॉर्ड है जो न इससे पहले कभी बना और न ही बाद के चुनावों में टूटा। कांग्रेस सरकार में मंत्री रही सावित्री जिंदल को भी मजबूरी के कारण राजनीति में सक्रिय होना पड़ा। ओम प्रकाश जिंदल 2005 में हिसार से विधायक निर्वाचित हुए और वे कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद हिसार से उनकी पत्नी सावित्री जिंदल भी विधायिका चुनी गई। दरअसल ओम प्रकाश जिंदल का मार्च 2005 में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद मजबूरी के चलते ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल को सियासत में आना पड़ा और जून 2005 में उन्होंने हिसार सीट से उपचुनाव लड़ा। सावित्री जिंदल के पक्ष में भी एक तरफा माहौल था और किसी भी राजनीतिक दल ने उनके सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। सावित्री जिंदल को करीब 1,03,351 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी आजाद प्रत्याशी राजेंद्र मलिक को केवल 1,120 मत ही मिले। ऐसे में सावित्री जिंदल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2009 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल ने 32,860 वोट लेते हुए आजाद प्रत्याशी गौतम सरदाना को 14,728 मतों के अंतर से पराजित किया। वे 2 बार कैबिनेट मंत्री रही। इसी तरह
अभी तक एक दंपति का एक साथ अलग अलग विधानसभा सीट से विधायक बनने का रिकॉर्ड कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के नाम है। भजनलाल परिवार से ही रेणुका बिश्नोई ने साल 2011 में सियासत में प्रवेश किया। जून 2011 में भजनलाल का निधन हो गया था और ऐसे में अक्टूबर में हिसार में उपचुनाव हुआ। आदमपुर से 2009 में विधायक चुने गए कुलदीप बिश्नोई ने 2011 में यहां से इस्तीफा दे दिया और हिसार से उपचुनाव लड़ा। ऐसे में 2011 के अंत में आदमपुर में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में रेणुका बिश्नोई ने 50,276 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के कुलबीर बेनीवाल को करीब 23,000 वोटों के अंतर से हराया। 2014 में रेणुका ने हांसी सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने 46,335 वोट लेते हुए जीत दर्ज की। 2014 में ही कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक चुने गए थे और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई एक साथ ही विधायक भी रहे। नैना चौटाला को भी अपने पति अजय चौटाला के जेल में चले जाने के बाद सक्रिय सियासत में एंट्री करनी पड़ी। चौधरी देवीलाल हरियाणा की सियासत में लाल परंपराओं में सबसे पुराना सियासी घराना है, पर इस परिवार की महिलाओं ने हमेशा से ही राजनीति से दूरी बनाए रखी। जनवरी 2013 में अपने पति अजय सिंह चौटाला को सजा होने के बाद नैना चौटाला ने राजनीति में कदम रखा और 2014 के विधानसभा चुनाव में डबवाली से चुनाव लड़ा। नैना चौटाला ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 68,029 वोट हासिल किए और उन्होंने अपने चाचा ससुर को 8,545 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2019 में नैना चौटाला ने भाडड़ा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के रणवीर सिंह महिंद्रा को करीब 13,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।